हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएमयू बीएलएलबी के 2024 के एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्ज़ाम है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने सीट्स हैं हमारे पास, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है और भी अलग तरीके की जानकारी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम क्या है। तो ये एग्ज़ाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम एएमयू कहते हैं, वो ऑनलाइन मोड के थ्रू बताएगी कि एग्ज़ाम डेट कब है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट के साथ द यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो रिलीज इम्पॉर्टेंट डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स भी होगा कि फॉर्म अब तक कब आएगा और ये सारी सारी चीज़ें हम आगे के भी अभी देखेंगे कि इसके आने का चांसेस कब तक होता है, ये सारी सारी चीज़ें। तो अगर किसी भी बंदे को एलएलबी का फॉर्म भरना है, एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए एएमयू बी एलएलबी का फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इम्पॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले यहाँ पे इवेंट्स एंड डेट्स, ये डेट्स हमने इस तरह से निकाला है कि पिछले आइंदा पुराने जो है वो लगभग 7 या 8 साल से इसी पैटर्न पर चला रहा है, 10 दिन आगे 5 दिन आगे 10 दिन पीछे, ऐसे जो है ये डेट्स चलता है। इसलिए हमने डेट्स को टेंटेटिव रखा है कि ये डेट्स जो है आसपास इसी के आसपास होंगे, पर ज़्यादा चेंजिंग जो है इसमें नहीं देखने को मिलेगी, इसी के आसपास। सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आएगा, फिर एप्लीकेशन जो है वो मार्च तक चलेगा। लेकिन अगर मान लो एप्लीकेशन फरवरी से लेट होकर मार्च में आएगा, तो मार्च से अप्रैल तक चलता है। वो डिपेंड करता है, हर साल जो एप्लीकेशन जो फॉर्म की डेट जो खुलने की होती है वो अलग अलग होती है। एक हफ्ता का लगभग लगभग टाइम भी आता है कि अगर मान लो तुम्हें नहीं पता चला कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, तो लेट फी के साथ एक हफ्ते जो है वो तुम भर सकते हो, एक हफ्ते का टाइम होता है। एप्लीकेशन जो करेक्शन, फिर अगर कोई गलती हुई तो करेक्शन के लिए आता है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो मई के सेकेंड वीक रिलीज होगा, एक हफ्ता एग्ज़ाम से पहले। फिर इंट्रेंस जो होता है वो भी एक हफ्ता जस्ट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के रिलीज होने के बाद होता है, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ मई के अंदर। फिर उसके बाद जो है आंसर की आता है, रिजल्ट आता है, खैर वो हम आगे देखेंगे। ये सारा का सारा डेट जो है वो तुम चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी विल ओपन एएमयू बीएलएलबी एप्लीकेशन फॉर्म विंडो इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। जब अभी तुमने देख लिया, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन विल एबल टू फिल आउट एएमयू बीएलएलबी एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑनलाइन मोड टिल द थर्ड वीक ऑफ मार्च 2024 विदाउट अ लेट फी। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, थर्ड वीक ऑफ मार्च उस डेट के हिसाब से जो अभी हमने रखा है, ये आगे पीछे हो सकता है। तो पहले तो बिना लेट फी के 1 महीना या 40 दिन तक चलता है फॉर्म, कुछ टाइम बढ़ा भी दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि लेट फी के साथ भी 1 हफ्ते या 8 दिन या 10 दिन तक का टाइम दे दिया जाता है। फिर उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होता है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उस गलती में आप चेंजेस कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझो कि अगर आपको किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 50% टोटल मार्क्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, या फिर ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एएमयू, इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट जो होना चाहिए 1 जुलाई 2024 में 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एज 2024 में 22 साल से ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। सीट्स के बारे में बात करें तो 10 सेमेस्टर का ये होता है, एंड एएमयू जो अलीगढ़ है उसमें 120 सीट है, एएमयू मलप्पुरम जो केरला में है उसमें 60 सीट है, एंड एएमयू मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में उसमें 60 सीट है। सिलेबस के बारे में बात करो तो उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। इंग्लिश में इंग्लिश से 40 क्वेश्चन का रहता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन। करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज से 40, एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से 20। टेस्ट सेंटर के बारे में बात करें, ये टेस्ट सेंटर हमारा अलीगढ़, कोलकाता एंड कोझिकोड में होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।